आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा कस्बे की नई बस्ती के ग्राम सुजावलपुर में पानी की टंकी का गेट गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि पानी की टंकी की बाउंड्री वाल पर लोहे का गेट लगा हुआ है। गुरुवार की सुबह नई बस्ती के बच्चे खेलते हुए टंकी परिसर के पास पहुंचे, दोनों खेल खेल में गेट को पकड़कर झूलने लगे। इतने में बाउंड्री वॉल का मुख्य गेट उखड़कर बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसमें दोनों बच्चे गेट के मलबे में दब गए। गेट के गिरने की आवाज से आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंच गए। जब बच्चों को निकाला गया तो गंभीर चोट लगने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दूसरे बच्चे को उपचार के लिए एक निजी चिकित्सालय में भेजा गया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ गविंदर पाल गौतम ने बताया कि मृतक बालक के परिजनों को जिला प्रशासन की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता होगी वह दिलवाई जाएगी। पानी की टंकी है, नई बस्ती के तीन बच्चे इस पानी की टंकी पर खेल रहे थे। शायद ऐसा लगता है कि वो गेट पर झूल रहे होंगे। उसी गेट के गिर जाने से एक बच्चा जिसका नाम मुदस्सिर है, उम्र लगभग 10 वर्ष, वो ख़त्म हो गया है। दूसरा बच्चा है साकिब, वो घायल है लेकिन खतरे से बाहर है। तीसरे बच्चे का पता नहीं लगा, वो भाग गया, हल्की उल्की चोटें होंगी। बाड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जो भी SDM साहब को खबर कर दी गई आ रहे हैं, जो भी मुनासिब इसका होगा, जो सहायता होगी वो प्रदान कराई जाएगी।